नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। सीतापुर के विश्वा ब्लॉक स्तरीय पोषण अभियान के तहत सुपोषण स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ 25 अगस्त 2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्वा पर हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह यादव द्वारा फीता काट कर किया गया मेले का शुभारंभ। मेले में आए हुए जच्चे और बच्चे की जांच का स्वास्थ्य परीक्षण किए गए और निशुल्क दवाएं प्रदान की गई। बाल विकास पुष्टाहार की सुपरवाइजरों ने बच्चों का वजन कर उनकी माताओं को खाना पान संबंधी जानकारी देते हुए निशुल्क पंजीरिये उनसे बने हुए व्यंजन वितरित किए। सुपोषण स्वास्थ्य मेले का आयोजन विभिन्न विभागों की सहभागिता से किया गया। इस मौके पर बाल विकास के CDPO सरिता सक्सेना, मुख्य सेविका मीना श्रीवास्तव, स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक डॉक्टर अमित कपूर, डॉक्टर विकास मिश्रा, डॉक्टर सुमित पंचायती राज विभाग के हिमांशु शुक्ला, खंड प्रेरक विश्वा रमेश कुमार, रोहित कुमार UPTSU से, उमेर खातून, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता देवी, रेणु वर्मा, पूनम देवी आदि मौजूद रहे। विश्वा से अयुब खान की रिपोर्ट। ये भारत का भविष्य। साथियों, स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा रहे इसकी जानकारी देने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ऐसा कि भी हमको बताया गया कि आज के बाद से 2500 केंद्र जो हमारे विश्वास के हैं उन सभी जगह पे आयोजित किया गया है। और वैसे तो पूरे जिले में और प्रदेश में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है मोदी जी के दोनों सरकारों का बच्चों के प्रति बच्चों के लिए जो काम होने हैं, तो चाहे उनका स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, सब पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और वो इसलिए कि जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है आदरणीय मोदी जी के दोनों सरकारों का बच्चों के प्रति बच्चों के लिए जो काम होने हैं, तो चाहे उनका स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, सब पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और वो इसलिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्वा पर आयोजित सुपोषण स्वास्थ्य मेला के अवसर पर हमारे साथ सभी बाल विकास विभाग की और सभी इनके सहायक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक महोदय डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोग जानते हो गर्भवती से लेकर 6 साल तक के बच्चों और महिलाओं को सेवाएं प्रदान की जाती है। और बच्चे का जो विकास है मानसिक, वो 5 वर्ष की आयु तक होता है। हमारे शिक्षा शास्त्री ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी सरकार ने, जैसे बहुत से लोग अभी भी अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जो बहुत सारे पोषण नहीं ले सकते हैं, उनको सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। हमारी स्वास्थ्य की जो चिकित्साएं सेवाएं हैं वो सब एक छत के नीचे आपको दी जाती है, इसलिए कि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इसके प्रति सजग रहें।